वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मेरी लड़की आदिका जरीन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीते, बहुत खुशी की बात है। जॉय यानी कि खुशी जाहिर नहीं कर सकते। सब जूनियर तो थी वो वर्ल्ड चैम्पियन, अभी सीनियर्स में गोल्ड मेडल लाई, ये इसको एक स्टेज मिला। यहाँ से इंशाल्लाह स्टेप बाय ओलंपिक में भी गोल्ड मारेंगे। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। जरीन आज जो उसे एक चैंपियन, ये सारे टूर्नामेंट में एक चैंपियन की तरह खेले हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए है, और आज भी जो उसको परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन दिए है 5-0 से, और उसके लिए मैं उनको भी एक मुबारकबाद देता हूं। और हमारे पूरे देशवासियों का एक इंतजार था, क्योंकि कोई भी प्लेयर इनके सिवा कोई प्लेयर दूसरा प्लेयर फाइनल्स में नहीं आया था, तो बहुत फील कर रहे थे कि भाई हमको एक गोल्ड मेडल मिलता या नहीं मिलता। लेकिन निखत जो फाइनल में रहने से लोगों में एक उम्मीद थी जो बॉक्सिंग के फ्रेटर्नली है कि भाई गोल्ड मेडल तो निखत दे सकती है, क्योंकि उनपे एक निखत पे उम्मीद है, क्योंकि उनके पास जो टैलेंट है गेम का और टेक्निकल वही एक खेल सकती है। तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे, और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। एक प्रोग्राम हुआ था जब जो सो कविता मैडम हमारे MP बने थे गाँव डिस्ट्रिक्ट के, उस टाइम से उनसे मुलाकात हुई थी घर पे हैदराबाद में आके मुलाकात हुई। मैडम हमको ऑलरेडी इंटरनेशनल के 3-4 मेडल्स है और कुछ हमको ट्रेनिंग की चाहिए, तो हमको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो फिर उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं सर से बात करती हूँ, CM साहब से। तो प्रोसेस चलते रहा, और एक दिन CM साहब हम निजामाबाद का आने का दौरा हुआ, तो उस टाइम उनसे मिलाया गया। तभी उन्होंने एक 50 लाख का जो है एक नजराना फाइनेंशियल तौर पे कैश इंट्रोड्यूस के तौर पर सैंक्शन किए। बस वो हमको एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद में फिर हमको गोलकंडा में 2014 में दिए, फिर दिसंबर में नवंबर फिर हैदराबाद शिफ्ट हो गए। फिर वो ट्रेनिंग हम 2 साल उस चिरंजी साहब के पास स्पेशल टेक्निकल ट्रेनिंग लिए। आज वही टेक्निकल ट्रेनिंग आज यहाँ पे डिस्प्ले हुआ आज मैच में।